इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट चैप्टर वन से और इसके बैक क्वेश्चन हम कर रहे हैं सैनैरियो बेस्ड क्वेश्चन जो यहाँ के मॉड्यूल के पीछे क्वेश्चन सो so, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आर टी पी में भी है सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है हेल्थ वेलनाव इज अ डेली बेस्ड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग हेल्दी लाइफ स्टाइल एमंग्स ऑफिस गोअर्स हेल्थ वेल नाउ क्या है एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है मतलब नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसको प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ वेल नाउ क्या है एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसकी हेल्थ हेल्प करता है प्रमोट करता है हेल्दी लाइफ स्टाइल को प्रमोट करता है ये अमंग द ऑफिस गोअर्स जो ऑफिस गोअर्स जो ऑफिस जाते हैं उनको कहता है कि आप हेल्दी रहें ठीक है उनको प्रमोट उनकी हेल्दी लाइफ स्टाइल को प्रमोट करता है ये इट ऑर्गेनाइजेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम्स टू इंकरज एंड गाइड ऑफिस गोर्स सो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम कराता है ये मतलब फ्री में प्रोग्राम कराता है टू एनकरेज एंड गाइड ऑफिस गोर्स ऑन मैटर्स रिलेटेड टू स्ट्रेस रिलीफ कि आप स्ट्रेस को कैसे कम करें क्योंकि आजकल तो काम ही काम है दुनिया में है ना योगा करवाता है एक्सरसाइज हेल्दी डाइट वगैरह के लिए गाइड करता है वेट uh, मैनेजमेंट uh, बताता है वर्क लाइफ स्टाइल वर्क लाइफ बैलेंस एंड सो ऑन ऐसी सारी चीज़ें ये करता है सो सो मैनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बहुत सारी बिजनेस वेलफेयर एसोसिएशन है आर टेकिंग सर्विस ऑफ हेल्थ वेलनाओ इन डेली मतलब बहुत सारी एसोसिएशन है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेश जो कि ये हेल्थ वेलनाओ well की सर्विस ले रही हैं इन डेली एंड एट जॉइनिंग एरियाज एंड मेक फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन टू इट्स कॉज और मतलब फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूट भी करती हैं इनको द हेल्थ वेलनाओ इज़ एबल टू जनरेट सफिशियंट फंड टू मेट इट्स ऑब्जेक्टिव टू मेट्स इट्स रूटीन एक्सपेंसिज सॉरी सो द हेल्थ वेलनाओ इज एबल टू जनरेट सफिशंट फंड सो हेल्थ वेलनाउ अच्छा खासा पैसा कमा रहा है ठीक है कमा नहीं रहा है सॉरी चैरिटेबल है तो कमाएगा कैसे तो देल्थ वेलनाव इज एबल टू जनरेट सफिशियंट फंड्स रूटीन एक्सपेंसिस जो उसके खर्चे हैं रूटीन एक्सपेंसेज उसको मीट करने के लिए सफिशियंट फंड जनरेट कर लेता है मतलब ठीक ठाक चल रहा है वो सो हाउ फार स्ट्रैटी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज रेलिवेंट फॉर हेल्थ वेलनाव डिस्कस सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैसे रेलिवेंट है हेल्थ वालाओं well के लिए ठीक है तो इस क्वेश्चन का आंसर का आप कैसे कर सकते हैं जो यहाँ पे कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रेलिवेंट कैसे है हेल्थ वालाओं well के लिए ऑब्बियली स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट तो सबके लिए रेलिवेंट है कहीं पर भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लगा लो ठीक है घर में लगा लो ऑर्गेनाइजेशन में लगा लो कैसे भी सो so, तो रेलिवेंट तो है तो आपका आंसर कैसे होना चाहिए देखो इसका एक निमोनिक है एस आर सी सी एस आर सी सी कॉलेज है ना एस आर सी सी सो एस आर सी सी से मतलब आप इसका आंसर कर सकते हो सो so, यहाँ पे हमारा आंसर कैसे होना चाहिए सबसे पहले तो हम कैसे डिफाइन करेंगे सो so, आपको क्या करेगा क्वेश्चन में ना मतलब ऐसे ही क्या करेगा ये चेंज कर, चेंज कर देगा बस हेल्थ वेलनाओं well की जगह ये कुछ और डाल देगा हेल्दी लाइफ स्टाइल या कुछ और डाल दिया ठीक है तो ये नाम चेंज कर करके ये क्वेश्चन देता है आर्टिकल में भी क्वेश्चन है क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सो हमारा आंसर कैसे होगा आंसर कैसे हम फ्रेम करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आर रेलिवेंट फॉर हेल्थ वेलनाओं सो कॉन्प्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तो रेलिवेंट है हेल्थ वेलनाओं well के लिए ये तो पक्की बात है ठीक है तो अब आंसर कैसे लिखेंगे देखो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी क्लासीफाइड एज कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल हम सबसे पहले लिखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन को दो कैटेगरी में बांटते हैं देखो हम खुद से भी को कैसे भी आंसर कर सकते हैं ठीक है ना बट आई सी आई हमसे डिमांड करता है कि जैसे उसने आंसर किया ना जैसे आई सी आई ने आंसर किया है वैसे ही आंसर करो आप तो आई सी आई कहता है कि पहले तो इसने बताया कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है तो ये आई सी आई आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप इसको बताओ कि ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके की होती हैं ऑर्गेनाइजेशन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होती है नॉन कमर्शियल होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की अपेक्षा क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं ठीक है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ वेल्नाउ well जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किस में फॉल करती है ये हेल्थ वेलनाउ नॉन कमर्शियल में फॉल करती है ठीक है नॉन कमर्शियल है क्योंकि ये तो मतलब क्या बोलते हैं प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ठीक है सो so, इस तरीके से आपका आंसर होना चाहिए तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे ऑर्गेनाइजेशन कैन बी क्लासीफाइड एज कमर्शियल यहाँ से मैं पढ़ रही हूँ ऑर्गेनाइजेशन मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ आई नो बट ज़्यादा लंबा वीडियो रखने से कोई फायदा नहीं है ना बहुत बड़ी हो जाएगी सो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी क्लासीफाइड एज कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल ठीक है ऑर्गेनाइजेशन कैन बी क्लासीफाइड एंड कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरेस्ट दे हैव मतलब क्या इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन के उसके हिसाब से हम कैसे क्लासीफाइड करते हैं कमर्शियल और नॉन कमर्शियल में क्लासीफाई करते हैं हेल्थ वेलनाओं well कैसी है हेल्थ वेलनाओ फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ वेलनाओं कैसी है तो ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करती है नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में फॉल करती है वाई नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेश में हैव ऑब्जेक्टिव दैट आर डिफरेंट commercial कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कमर्शियल के ऑब्जेक्टिव कैसे हैं ऑर्गेनाइजेश uh, के ऑब्जेक्टिव कैसे होते हैं डिफरेंट होते हैं फ्रॉम कमर्शियल दे नीड टू एम्प्लॉय द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टूल टू इफेक्टिवली यूज देर रिसोर्सेज और इन लोगों को इफेक्टिवली यूज क्योंकि ये लोग प्रॉफिट तो कमाते नहीं है ठीक है ना तो अपने रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज करे जनरेट करें और मतलब इतना कमा लें कि ये जो अपने एक्सपेंसेस वगैरह हैं उसको अच्छे से मीट आउट कर लें सो दे नीड टू एम्प्लॉय द द्रैटेजिक मैनेजमेंट टूल टू इफेक्टिवली यूज़ देयर रिसोसेज जनरेट सफिशियंट सरप्लस टू मीट देयर डेली एक्सपेंसेस इतने फंड्स जनरेट कर लें कि अपने डेली एक्सपेंसेस को मीट कर लें देखो अब बिना फ़ंड के तो कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी नहीं ना सो so, इतना फ़ंड तो उसको जनरेट करना ही है प्रॉफिट नहीं कमा सकती ठीक है सो जनरेट सफिशेंट सरप्लस टू मीट देयर एक्सपेंसेस एंड अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स अचीव देयर ऑब्जेक्ट्स इनफैक्ट मैनी नॉन कमर्शियल नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आउट परफॉर्म्स प्राइवेट फॉर्म्स सो प्राइवेट फॉर्म्स की अपेक्षा बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो आउट परफॉर्म कर रही हैं ठीक है प्राइवेट फॉर्म्स से अच्छा काम कर रही हैं एंड एंड कमर्शल एंड कॉरपोरेशंस ऑन इनोवेटिवनेस पे मोटिवेशन पे प्रोडक्टिविटी पे ह्यूमन रिलेशन्स पे मतलब ये सारे फील्ड में ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है आउट परफॉर्म कर रही हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की अपेक्षा सो so, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अब देखो ये सब तो हम लिख देंगे ठीक है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके की होती है कमर्शियल होती है नॉन कमर्शियल होती है ये जो ऑर्गनाइजेशन है जिसकी हम बात करें हेल्थ वेलना ये किसकी कैटेगरी में फॉल करती है नॉन कमर्शल की कैटेगरी में फॉल करती है नॉन कमर्शल ऑर्गेनाइजेशन के जोजेक्ट ऑब्जेक्टिवस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम कमर्शल ऑर्गेनाइजेशन की क्योंकि ये तो प्रॉफिट कमाना इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है सो so, ये लिख देंगे हम उसके बाद हम लिखेंगे कि जो नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है वो आउट परफॉर्म कर रही है आज की डेट में फ्रॉम कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस ठीक है नॉन जैसे आप लिख सकते हो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आउट परफॉर्म कर रही है प्राइवेट फॉर्म्स की अपेक्षा अब, अब यहाँ पे आप लिख सकते हो अब यहाँ पे लिखना क्या होगा आपको यहाँ पे एस आर सी सी ये निमोनिक है एस आर सी सी द हम कैसे लिखेंगे द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन हेल्थ वेलनाओ नीड टू कवर सच एज जनरेट सफिशेंट फंड्स जनरेट फंड्स तो इसके क्या क्या एस्पेक्ट्स कवर करने चाहिए द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन हेल्थ नाउ नीड्स टू कवर आस्पेक्ट सजेस्ट ये ये आस्पेक्ट ये इस ऑर्गेनाइजेशन को करने की जरूरत है ठीक है कवर करने की जरूरत है क्या करने की जरूरत है इसको जनरेट सफिशियंट पर मतलब इतना पैसा जनरेट कर ले कि इसके जो है ऑब्जेक्टिव इसके फुलफिल हो जाए सो जनरेट सफिशेंट फंड फॉर मेटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव अब सेकेंड क्या है इफेक्टिवली रीच ऑफिस गोअर्स मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस गोअर्स के पास ये पहुँचे एंड हेल्प देम टू हैव हेल्थ इन लाइफ और उनको हेल्थ के बारे में बताए उनकी हेल्प करे ठीक है प्रमोट इट्स हेल्प टू कवर मोर ऑफिस अपने आप मतलब को मोर ऑफिस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिसेस को रीच करे उसके लिए प्रमोशन्स करें रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस में पहुंचे ज़्यादा से ज़्यादा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में पहुँचे क्योंकि इन्हीं को तो ये सर्विस दे रही है ना सो अब नेक्स्ट क्या है हैव अ डीप कोलेबोशन विथ हेल्थ एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग डाइटिशियंस साइकोलॉजिस्ट फिटनेस ट्रेनर्स योगा एक्सपर्ट्स सो यहाँ पे कोलाबोरेशन uh, करे इनके साथ डाइटिशियंस के साथ साइकोलॉजिस्ट के साथ फिटनेस ट्रेनर्स के साथ योगा एक्सपर्ट्स के साथ ताकि अच्छे से इम, uh, ये सर्विस दे सके मतलब ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों होंगे तो ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से सर्विस दे पाएगी तो इन लोगों के साथ कोलाबोशन करने की जरूरत है सो so, यहाँ पे एसआर सी सी कैसे हो गया सफिशियंट फंडस ठीक है रीच ऑफिस गूअर्स कवर मोर ऑफिस ठीक है एस से सफिशियन फंड हो गया पॉइंट ए में एस से सफिशियंट फंड ठीक है फिर आर से रीच ऑफिस गूअर्स फिर सी से कवर मोर ऑफिस इन रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन फिर सी से कोलेबोरेशन विद हेल्थ एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग डाइटिशिय साइकोलॉजिस्ट फिटनेस ट्रेनर्स योगा एक्सपर्ट्स सो एसआर सी सी सफिशंट फंड्स रीच ऑफिस गूअर्स कवर मोर ऑफिस कोलेबोरेशन राइट सो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माँ कर लो 拜拜。Bye bye.